राम राम भाई सारे अरे, आज है हमारा 5175 आर बॉडी चैलेंज का। आज मैं आपको एरिथमेटिक में और मेथड्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। कल तक हमने चाय वाती पढ़ लिया थी, आज पढ़ेंगे पॉप क्वेश्चन स्विफ्ट और अनचेक्ड मेथड। तो पॉप मेथड क्या करता है वो देखते हैं। द पॉप मेथड यूज द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरिथ मेथड चेंजेस द ओरिजिनल एरिथ एंड इट हैज रिमूव्ड एलिमेंट। रिमूव एलिमेंट को रिटर्न करता है, ठीक है। जो लास्ट एलिमेंट होता है उसको हटा देता है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, हमने बना रहा है एरिथ, उसको करेंगे कमेंट आउट यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इसको कमेंट आउट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इनको भी सारे में ऐसे कमेंट आउट करते हैं। ये कर आपने इसको कमेंट आउट, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके सबसे पहले एरे को प्रिंट करा रहे हैं, उसके बाद ई डॉट पॉप और ये पैरेंथेसिस देंगे, जैसे ई डॉट पॉप फंक्शन चल जाएगा इसका, लास्ट में करें ना वो हट जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ए को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। इसको कंसोल में हमने जो है ओपन कर रखा है, यहाँ से यहाँ पर देखिए कंसोल में सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट राइट ओपन करता है। संजय अम्मा पैमानो करण तक दोबारा ए डॉट पॉप का हमने यूज़ किया, लास्ट में जो एलिमेंट था उस वर्ड का है और करेक्ट नॉलेज जो यहाँ पर हट चुका है। इस तरह से जो है हम ए डॉट पॉप का यूज करते हैं जब कोई लास्ट एलिमेंट को हटाना हो अपने एरे में से, ठीक है। आई हो आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद करते हैं पुश मेथड का। पुश मेथड क्या करता है, लास्ट में कुछ आपको डालना हो, पुश करना हो, यानी कि लास्ट में कुछ आपको एलिमेंट पुश करना हो उसके लिए क्या होता है, लास्ट में कुछ एलिमेंट डालना हो। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एरे संजय रमन और रहमान दर्द लिया है हमने, ठीक है। ई डॉट पुश, ई डॉट पुश कर रहे हैं कि लास्ट में एक वेरिएबल ऐड कर दो, तो उसमें क्या करें कर राहुल वेड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट और ट्रैक में एक वो प्रिंट करा रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं दोबारा संक्रांत वेड कर दो, फिर दोबारा प्रिंट करा दो। आउटपुट देखते हैं, देखिए यहाँ पे संजय अमर रहमान, ठीक है, यहाँ पे राहुल ने कर लिया। राहुल के बाद क्या हुआ, राहुल के बाद दोबारा सर ने प्रिंट करा लिया, फिर सलमान वेड कर दिया पैनिस रहमान तक को, रहमान के बाद क्या किया हमने राहुल वेड किया, राहुल के बाद देखिए सलमान वेड कर दिया। तो ई डॉट पुश क्या करता है, लास्ट में एक एलिमेंट को अगर ऐड कर दिया जाता है, इस तरह से काम करता है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल है। फिर आता है शिफ्ट में, था शिफ्ट क्या करेगा वो देखते हैं। ये आगे से आपके यहाँ पर देखिए हमने एक एरे बना रखा है और आगे क्या करेगा, यहाँ पर देखिए आगे से आपके संजय उठा दिया, फर्स्ट एलिमेंट को आपके हटाने के काम करता है आपका ई डॉट शिफ्ट में था। ये मैं आपने शिफ्ट में लगा दिया, ए को पेंट करा दिया, क्या कर रहा है आप संजय को आमने से हटा दिया, फर्स्ट एलिमेंट को हटाने के लिए शिफ्ट मेथड का यूज करते हैं। अगला यहाँ पर अनशिफ्ट मेथड समझ आया होगा, अनशिफ्ट मेथड क्या करेगा आगे से एक एलिमेंट को प्रिंट करने के काम करेगा। हमने क्या किया ए डॉट अनशिफ्ट डाल दिया राहुल, तो आगे से क्या करेगा अमन के पहले राहुल पर आ जाएगा। बस इतना ही था। पॉप पुश शिफ्ट अनशिफ्ट ये काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं, इन पॉप को जरूर से आपको पढ़ लेना है, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, और आपको मैं कोड जो है आपको दे दूँगा। अगर आप आओगे तो वीडियो आती रहेगी डीडी, तो वीडियो प्राइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरी क्या अपनी अभी वीडियो है।